तो अभी मैं राजस्थान में प्रेजेंट हूँ और ये अब राजस्थानी देसी घी देख पा रहे हैं जो कि घर में इस प्रकार से तैयार की जाती है, जो अंकल जी तैयार कर रहे हैं। और इधर के घर इस प्रकार से मिट्टी वाली। विलेज और शहरों में कितनी डिफरेंट है देख सकते हैं। तो है बड़ी क्या हालचाल यार। तो भाई गुड मॉर्निंग। अभी की सुबह यार 8 बज चुकी है और जैसे कि यार अभी सुबह से इतनी ज़्यादा धूप है ना भाई कि क्या ही बोले। आप मेरे पीछे में देख पा रहे हैं ये पूरे पंजाबी से लिखे हुए हैं, मुझे पता नहीं चल रही है पर इतनी भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मुझे कुछ पता भी करनी है ना तो आप गूगल कर सकते हो, सकते ये कुछ नोटिस बोर्ड है जो कि पूरे तरह से पंजाबी से लिखी हुई है। तो यार मैंने आज को सोचा यार कि यहाँ पे जहाँ पे हूँ ना भाई, ये एक्चुअली मैं पंजाब पे मतलब राजस्थान पे रहता हूँ, मतलब राजस्थान और पंजाब की बॉर्डर पे है हम लोग। मतलब पंजाब में हूँ और अब मेरे पीछे में देख पा रहे हैं पूरी तरह। तो मैंने आज को सोचा यार कि आप लोगों को आज मैं क्या दिखाऊंगा, यानी कि ऑरेंज भाई यहाँ पे पूरी तरह से, यानी कि ऑरेंज किस प्रकार से इधर पे ऑरेंज लगाते हैं वो मैंने आज सोचा। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ऑरेंज, तो लाइव दिखाऊंगा। तो चलो भाई सबसे पहले एक ठंडा लेते हैं यार, क्योंकि इधर बहुत गर्मी है ना भाई। रखते हैं। हाँ जी आंटी, ये मज़ा मिलेगा। और ठंडा में क्या है? बहुत ज़्यादा धूप है और हम पूछे यार दुकान पे पूछे तो फ्रूटी का कोई सीन नहीं है भाई, पता है? तो फ्रूटी का कोई सीन नहीं, तो मैंने चला आगे की ओर। तो देखते हैं जाते हैं आगे अगर फ्रूटी मिलता है तो, वैसे यार फ्रूटी या मैंगो या फिर ठंडा कोई भी अगर मिल जाए तो। बोले भाई साहब बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। गंगानगर में, वैसे मैं ये राजस्थान में पड़ती है लेकिन अभी मैं पंजाब के बॉर्डर पे हूँ। लेकिन यार क्या बोलेंगे, यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है यार। ये विलेज पे हूँ मैं लेकिन है ना गंदगी बहुत है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे में थोड़ा सा आपको एक नहर दिखाई, पोखरा दिखाया, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो भाई अभी तक हम पहुँचे नहीं है, एक दुकान मुझे जानी है और कुछ ठंडा लेना है यार, क्योंकि धूप बहुत है, बता बहुत ज़्यादा है भाई इधर की धूप यार। तो हाँ जी अंकल, एक मज़ा या फिर फ्रूटी ला दीजिएगा प्लीज़। हाँ आइए आइए, आप कोई बात नहीं। लेकिन है ना यार, तो विलेज एरिया है ना भाई, जिसकी वजह से ज़्यादा लेते नहीं है। तो कोई बात नहीं, मिल गई थोड़ी सी राहत मिल गई। लेकिन हाँ, और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगा, इधर की वाटर की थोड़ी प्राइस ज़्यादा है, क्योंकि इधर से जितने टैंकर से ज़्यादा पानी लेके आते हैं और पानी को क्या कहते हैं मिनरल करते हैं, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बातें बताऊँगा। इधर की पत्थर लाल होती है यार, आपको बिलीव नहीं आपको बिलीव नहीं हो रही ना, पर ट्रस्ट मतलब विश्वास करो सच में यार, इधर का पत्थर लाल होती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कलर कैसी है बताओ, कैसी कलर? रेड टाइप का कलर है कि नहीं? ये एक नया सवेरा है, 9 बज चुकी है और क्या बोलूँगा, 9 बज चुकी है, नया सवेरा है। जैसे कि मैंने दिखाया यार इधर की जो विलेज है ना भाई, तो मैं ये बुराई तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन यार इधर अगर बारिश वारिश होगी ना भाई, बारिश वारिश अगर होगी तो आप कहीं बच नहीं सकते, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, आप घर देख के समझ में आ ही रहा होगा कि अनजान का घर में कहाँ आप घुसेंगे, एंट्री मारेंगे, है ना। तो ये भाई, और ये एक विलेज है भाई, ठीक है ना। तो ये एक विलेज है जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा डर्टी है। और तो कैसा लगा आप लोग को, और ये भी मुझे कमेंट करके राय देना। रही बात की श्री, यानी कि राजस्थान के श्री गंगानगर, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, और आप मुझे कमेंट करके राय दो कि मैं यहाँ कहाँ का ब्लॉग शूट करूँ। रही दूसरी बात, मैं जहाँ पे हूँ ना लगता है यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, देख सकते हो इधर, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी यहाँ पे राहत मिल जाती है, यानी कि जब धूप लगती है ना तो थोड़ी सी यहाँ पे राहत मिल जाती है, जब धूप लगती है तब थोड़ी सी यहाँ पे राहत मिल जाती है, ये कह रहा हूँ मैं। बाकी मैं थोड़ा सा बैठ लेता हूँ फिर आप लोग से बातें करता हूँ। बाकी भाई आज का ब्लॉग यहीं पर, तो बाकी कमेंट करके मुझे ज़रूर राय देना भाई, कौन सा फुटेज आपको अच्छा लगा। तो बाकी के लिए यहीं तक भाई, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली ब्लॉग पे। बाकी ले जाइए, जय माता।